योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन खीरी में हेलीकॉप्टर से उतरते ही कलेक्टर सभागार में पहुंचे, जहां पहुंचकर विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की और ग्राम प्रधानों से संवाद करते हुए कहा कि शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द अपने अपने क्षेत्रों में कराएं। प्रशासन के आदेश देते हुए कहा कि किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके बाद सीएम ने ग्राम लोहियानगर सरैया पहुंचकर जल समूह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डीपीआरओ को निर्देशित किया कि ग्राम सभा में कैंप लगाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जिनके शौचालय नहीं बने, जिनको मकान नहीं मिले और दिव्यांग लोगों की तत्काल पेंशन देने आदि के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम प्रधानों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम सभा में यदि कोई भी आदमी बीमार होता है तो ग्राम प्रधान अपनी ग्राम निधि से गरीब बीमार को 5,000 की सहायता दे सकता है। गांव वालों द्वारा उनसे काफी शिकायतें भी की गई। उन्होंने समाज कल्याण, पंचायत विभाग, पूर्ति विभाग और संकेत विभाग की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिलाधिकारी कप्तान और जिला के समस्त अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी का खीरी जनपद में यह चौथा कार्यक्रम था।